और अभी तक ब्लॉग नहीं पढ़ पाया है क्योंकि शूट हो मतलब शूट तो हो गया था बहुत अच्छे से, लेकिन अभी तक एडिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी एडिट करना है। तो हमें लगता है सब एक साथ ही आएंगे ये ब्लॉग्स। और अब हम लोग आज कल स्कूटी ली थी तो आज देने के लिए जा रहे हैं स्कूटी, और आज हम लोगों का चेकआउट भी है। आज हम लोग जा भी रहे हैं वापस लखनऊ, वहाँ जा रहे हैं अब घर, क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज तो जाना ही जाना है हमको। अब स्कूटी वापस स्कूटी कल रेंट पे ली थी तो आज देने के लिए जा रहे हैं, और फिर उधर ही से हम लोग बीच पे जाएंगे, फिर थोड़ा सा घूम घाम के फिर आएंगे, फिर पैकिंग स्टार्ट करेंगे। पैकिंग स्टार्ट करने के बाद यहाँ से निकल लेंगे, 1:30 या 1 बजे यहाँ से निकल लेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि ये फ़्लाइट मिस नहीं करेंगे अपनी पहली वाली। जैसे कि मेरी फ़्लाइट एक मिस हो गई थी गोवा के लिए, डायरेक्ट गोवा के लिए वानी थी, लेकिन अब मिस नहीं करेंगे, और ये वाली तो इम्पोर्टेंट है ही, फ़्लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए मेरी। तो अभी आ रहे हैं मेरे पति परमेश्वर जी, किधर से चलें। हम लोग आ गए हैं और अब हम लोगों ने बड़ा पाव ऑर्डर कर दिया है, तो बड़ा पाव हम खाएंगे। और ये देखिए बीच, और अभी जाएंगे बीच पे। जाना मेरे लिए बड़ा पाव ले रहे हैं, आई लव बड़ा पाव, मुझे बड़ा पाव बहुत पसंद है। ये देखिए मेरा आ गया है बड़ा पाव, हम खाने जा रही हूँ बड़ा पाव अपना, माय फेवरेट। और जाना मेरे शिकंजी पी रहे हैं, गुब्बारा लड़ नहीं होता है पैराग्लाइडिंग वो वाला, हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा है, मैंने जीत करके जाना है, मेरे जाना नहीं करते छोटे। तो गाइस मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं, मेरा मन कर रहा था कि मैं ऊपर ही रुकूं, मैं नीचे ना आऊं। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था उतरने का, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था एक्चुअली, सच में यार मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप लोग भी ने अगर ट्राई किया होगा जो पैराशूट का, बट मुझे बहुत अच्छा, मेरे सच में उतरने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करूं उतरना तो था ही। थैंक यू सो मच वो बोट वाले भैया लोगों को जिसने मेरा व्लॉग शूट कर लिया पूरा, उन्होंने फ़ोटो भी मेरी क्लिक की, और मैं ऊपर ले जाना नहीं चाहती थी फ़ोन इसलिए। हम लोग पैराशूट करने गए थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमने तो 5 मिनट तक किया हम लोगों ने, पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब देखने को मजा आया है, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कर लिया है चेकआउट यहाँ से, और अब हम लोग जा रहे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है हम लोगों की, हम वही 3 कपल्स। और अभी तो ये कह रहे हैं चलो, अभी मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है जिस होटल में हम रुके थे उसके सामने, जस्ट फोटो क्लिक करवानी है मुझे अभी। जाना बैठे हुए हैं, सो
सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गोवा के एयरपोर्ट पे, वहाँ से लखनऊ के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। और थोड़ा सा हमें जैसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखिए व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने इसका व्लॉग शूट किया, और उसके बाद में व्लॉग नहीं शूट कर पाया, फटाफट मैं गोवा वाले एयरपोर्ट पर पहुँची और तुरंत सब फटाफट काम हुआ इस वजह से, तो वहाँ का मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया। मैं एक्चुअली रात में आई थी, इस वजह से मैंने उधर के टाइम मैंने ये व्लॉग नहीं शूट किया था। तो मैं दिन के टाइम जब गई तो मैंने देखा बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने शूट कर लिया ये। तो अभी तो जा ही रहे हैं, गोवा। अब 4 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम लोगों ने फ़्लाइट पर बैठ चुके हैं हम लोग हैं, और बस अभी उड़ान ही भरी है, अभी उड़ान भरेगी। और बस अब हम लोग लखनऊ वाले एयरपोर्ट पे मिलते हैं सबसे। गाइस ये देखिए लखनऊ का नज़ारा, मैंने ऊपर से बेंगलोर का पूरा नज़ारा देखा और गोवा का भी, लेकिन मेरे लखनऊ के जैसा कोई भी सिटी नहीं मैंने देखा। लखनऊ से जहाँ तक की नज़रें जाती हैं मेरी, सिर्फ वो मतलब वो लाइट ही लाइट, ये देखिए इतना प्यारा व्यू लग रहा था मुझे उस टाइम पे। सच में अपना लखनऊ शहर सबसे बड़ा शहर है, आई लव लखनऊ। हम लोग फ्लाइट, ये मेरी फ्लाइट है, हम लोग आ गए, बस में बैठ गए आके, जो मैं एयरपोर्ट तक ही पहुँचाए गई। हम लोग आ गए हैं अब अपनी गाड़ी पे, और हम लोग जा रहे हैं अब घर के लिए, घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बाकी लोग भी चले गए हैं, हम घर जा रहे हैं, वो लोग रुकेंगे यहीं पे। मेरे वीडियो का एंड हो रहा है। ओके सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय गाइस।